खबर रायबरेली से। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर के दिशा निर्देश अनुसार रायबरेली में धान की फसल काटने से पहले ही पराली प्रबंध की कवायद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने किसानों और तहसील प्रशासन के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है किसी भी हाल में पराली जलाई नहीं जाएगी। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेत या खेतों के बाहर पराली का पूर्णतः प्रबंध लगा दिया जाएगा। मैम, धान की फसल कटने वाली है, पराली को लेकर के कोई इंस्ट्रक्शन जारी हुई है? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, पराली प्रबंधन के संबंध में जनपद में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें दो विषय पे प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। एक तो जो हमारे कृषक साथी हैं उनके संबंध में उनको जो बताना है, उनकी जागरूकता की गोष्ठियाँ यहाँ जनपद में कर ली गई हैं, जिससे कि जो पराली का मैनेजमेंट है या प्रबंधन है वो इन सिटू हो या एक्स सिटू हो, यानी कि चाहे वह खेत में किया जाना हो बायो डिकम्पोजर्स के माध्यम से और या फिर किसी बाहर जगह पर ले जाके उसका प्रबंधन किया जाना हो, उसके संबंध में उनको जागरूक भी किया है, बताया भी गया है और जो कृषि संयंत्र इनको दिए जाने उसके संबंध में भी जागरूकता की गई है। साथ में जो हमारी तहसील के स्तर से कार्रवाई होनी है उसमें एडीएम स्तर के अधिकारी के लेवल पे जिले पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही साथ एसडीएम की नेतृत्व में लेखपालों के माध्यम से भी इसका हम लोग एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं और दोनों ही चीज़ें इसको सुचारू रूप से जनपद में चलाया जा रहा है।